सवाल कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठा रहा हूं मैं, जैसे सपोज करो क्वेश्चन उठाया मैंने 19, क्वेश्चन नंबर 19 उठा रहा हूं, है ना। क्या कह रहा है बेटा वो, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर इन हाइट अ बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल ड्रॉप कर दी। अच्छा, ड्रॉप वर्ड का मतलब जानते हो? ड्रॉप वर्ड का मतलब होता है छोड़ना। ड्रॉप वर्ड का मतलब होता है कि आप अपने एफर्ट नहीं लगाओगे, आप अपने एफर्ट नहीं लगाओगे, क्लियर है ना। यू नहीं करोगे, यू केवल यू छोड़ दोगे। तो इसका मतलब यहां मैं इस ड्रॉप वर्ड को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि फिर आगे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आगे मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। मैं एक्चुअली क्लियर कर देता हूं पिक्चर कि यहां ड्रॉप वर्ड से आपको क्या मतलब निकालना है। ड्रॉप वर्ड जैसे सपोज करो मैं किसी टेबल पे खड़ा हुआ हूं, ये टेबल है, टेबल जमीन पर है, और कोई बंदा यूं करके खड़ा हुआ है, उसने अपने हाथ से लेके ये कोई बॉल ड्रॉप कर दी, ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब उसे अपने एफर्ट नहीं लगाने, ना ऊपर पुश करना ना नीचे एफर्ट लगाने, ना ऊपर ना नीचे कोई एफर्ट नहीं लगाने, बस छोड़ देना है। तो ड्रॉप वर्ड का मतलब समझ में आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, कितनी हुई इनिशियल वेलोसिटी? यदि मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, ऑब्वियसली। और किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तभी थोड़ा सवाल बन पाएगा। तो इस समय सुनिए, यदि मैं किसी बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं तो इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। हर समय जीरो हो यह भी जरूरी नहीं है। मैं इस टॉपिक को यहीं क्लियर कर देता हूं बेटा। मैं टेबल पे खड़ा हो गया या किसी बिल्डिंग पे खड़ा हो गया, उस बिल्डिंग से यदि किसी को ड्रॉप कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। पर ड्रॉप वर्ड का मतलब हर बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो यह भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ड्रॉप वर्ड का मतलब हर बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता। ड्रॉप वर्ड का मतलब होता है कि आपने अपने एफर्ट नहीं लगाए, बस खत्म, छोड़ दिया। अब मैं यहां पे एक चीज क्लियर करता हूं, क्योंकि मैंने इतना बोलते कि हर बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो है जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके कंफ्यूजन बढ़ गया उल्टा। सपोज करो मैं किसी रॉकेट में बैठा हुआ हूं, इमेजिन कर लो, ठीक है, किसी रॉकेट में बैठा हुआ हूं और ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट ये रे रितुराज सर, ठीक है, उन्होंने इसमें से हाथ निकाला, ये हाथ है उनका, और फिर से कोई बॉडी ड्रॉप कर दी, और ये रॉकेट सपोज करो, इमेजिन करो, 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। इमेजिन कर सकते हो ना, एक भले ही मैंने एक इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सा दिया, लेकिन मैं एक्चुअली वर्टिकल के सवाल करा रहा हूं ना, इसलिए वर्टिकल की बात कर रहा हूं। मैं ऊपर जा रहा हूं, अच्छा इसे छोड़ो, बैलून ले लू, बैलून, हॉट एयर बैलून जाते हैं ऊपर, नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती है एडवेंचरस, तो उसमें हॉट एयर बैलून जो होते हैं, होते नहीं होते, नीचे आग लग रही होती है और कुछ लोग बैठे भी होते हैं, ऊपर उठा लेता है। तो सुनिए बेटा, अब मुझे बताइए, यदि ये हॉट एयर बैलून 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो इसमें बैठे हर पैसेंजर की स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएंगे आप, स्पीड पूछता हूं तो केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो बताइए इसमें बैठे हुए बहुत सारे पैसेंजर है, मैंने भी एक दिखाया, तो इस पैसेंजर की भी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 20 मीटर पर। यह बंदा टेबल पे खड़ा हुआ है तो इसकी खुद की वेलोसिटी जीरो थी, खुद की वेलोसिटी जीरो थी, सुनिए, अब इसकी वेलोसिटी जीरो थी तो इसके हाथ की वेलोसिटी भी जीरो थी। अब इसने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, ये चौक है, ठीक है, बड़ी वाली चौक पे मैं रिस्क नहीं ले सकता था, नहीं वो टूट जाती बिना हाथ के, क्या छूटता। तो ये अब बताना, मेरे हाथ की वेलोसिटी जीरो है तो मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है नन्ना सा, इसकी वेलोसिटी भी तो जीरो है, तो जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा, देखो वही हुआ ना, बच गया मेरा नुकसान होने से, ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। लेकिन अब आप मुझे बताइए, यदि मैं इसमें बैठ गया हूं जो मुझे बैलून ऊपर ले जा रहा है, तो इस बंदे की एंटायर बॉडी की वेलोसिटी भी तो 20 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी यदि कोई बंदा यहां से इसे देख रहा होगा तो बैलून ही नहीं, इसकी भी वेलोसिटी उसे 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड नजर आएगी। अब यदि एक हाथ बाहर निकाल ले और हाथ में चौक, ईंट, पत्थर कुछ भी रख ले, तो बताइए अभी छोड़ा नहीं है, तो उस ईंट पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी जब तक उसके हाथ में, बताइए, जो इसके हाथ में है, ये सपोज करो ये कुछ पैकेट सा है, पैकेट, तो इस पैकेट की जब तक ये पैकेट इसके हाथ में है तो इस पैकेट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अपवर्डित होगी, क्योंकि इस आदमी के लिए ये भी ऊपर जा रहा है, बैलून भी ऊपर जा रहा है, पैकेट भी ऊपर जा रहा है।
तो बेटा इस पैकेट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। अब अचानक इसके हाथ से छूट जाए ये पैकेट, तो ये ड्रॉप वर्डी तो माना जाएगा, ड्रॉप ये भी तो ड्रॉप है कि अब यदि कोई बंदा ड्रॉप कर रहा है तो ध्यान रखना इस केस में यदि उसका हाथ कट जाए तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और इस केस में इसका हाथ कट जाए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है। समझे या नहीं समझे? जैसे ही इसके हाथ से छूटा स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर, इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, मानो ना मानो। बेटा रियलिटी ये होगी कि उसमें ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी है, ये पैकेट भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये पैकेट भी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही जा रहा था, बस जैसे ही हाथ छूटा आप बोलोगे ड्रॉप हो गया। तो अब इन दो एग्जांपलों को कनेक्ट करके बताइए, क्या ड्रॉप वर्ड का मतलब हर बार जीरो वेलोसिटी होता है? क्या ड्रॉप वर्ड का मतलब हर बार जीरो वेलोसिटी होगा इनिशियल? नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कहां से ड्रॉप किया गया, किस सीन क्या बना हुआ है। तो चलिए, हाँ तो सवाल लेता हूं मैं, ऐसा एक सवाल आएगा आज, चलो अब उसमें एटलीस्ट उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 वो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाइट, एक टावर है बेटा ये रही, इसकी हाइट है 100 मीटर, ये हाइट 100 मीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, अ बॉल इज ड्रॉप, अब हाइट से ड्रॉप किया गया एक तरीके से टेबल से, तो यहां ये रही बॉल वन, एक्चुअली सवाल में दो बॉल है, ये रही बॉल वन, लेट दिस पॉइंट इज ए द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, पॉइंट ए इस समय कितनी हाइट पर है 100 मीटर की हाइट पर, ये बॉल ड्रॉप कर दी तो इनिशियल वेलोसिटी इस समय तो इसकी जीरो ही है इस बॉल की। अब जब ड्रॉप कर दिया एट द सेम इंस्टेंट, उसी समय एट द सेम इंस्टेंट जिस समय बॉल छूटी है, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यहां से एक बॉल नीचे से ऊपर फेंकी गई है। अब भैया नीचे से ऊपर फेंकने के लिए तो प्रोजेक्शन देना पड़ेगा, कुछ एफर्ट, तो यहां इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है इस प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। यार एक काम करो, ये सवाल नहीं करा रहा मैं भी, ये तो और कठिन हो गया, कोई नहीं इस जैसा, क्योंकि मेरा आदत ना धीमे धीमे बढ़ाने की। ये छठा क्वेश्चन कर लेते हैं, टेंशन मतलब इस जैसे ही है। छठा क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर इन हाइट, 100 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप, बॉल ड्रॉप कर दी, एंड एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली जो मैं सवाल कराने जा रहा था ना उसमें एक लेवल बढ़ा दिया था, उसमें ये वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ती, इस सवाल के बाद कर लेंगे उसे, पहले ऐसे कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जिस समय ये बॉल ड्रॉप की गई उसी समय नीचे से एक और बॉल, बॉल टू, बॉल नंबर टू, वो उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी 25 मीटर पर सेकंड से, तो उसने ये पूछा है फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल मीट, और जी 9.8 लेना है, उसने बोला है कि कब और कहां ये दो बॉल मिलेंगी। यानी आप देखो टैटन है, ये नीचे आ रही है ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ठीक है, तो कभी तो ये बॉल मिलेंगी, कहीं तो ये बॉल मिलेंगी ना, ठीक है। तो उसने कहा व्हेन एंड वेयर दीज टू बॉल विल मीट, और हो सकता है जरूरी नहीं है ऐसा फिगर बनाओ, ऐसा फिगर भी बना सकते हो बेटा, थोड़ा बड़ा दिल रखना, यू करके जा रही है और ये यू जा रही है, तो ये यू आ रही है, ये यू आ रही है, ये यू जा रही है, तो इस रास्ते पे ये टाटा टाटा बाय बाय हेलो करते हुए जाएंगे ना, तो भी इसे मीट बोलते हैं बेटा। ये नीचे आ जाएगी, वो जिसे उसे जितना ऊपर जा रहा होगा वो उतनी ऊपर चली जाएगी, तो ऐसा भी फिगर बना सकते हो, मैंने ऐसा बना लिया, समझ गए या नहीं समझ गए। लेट इस पॉइंट का नाम मैंने बी लिख दिया और इसका नाम सी लिख दिया, तीन पॉइंटों के नाम लिख दिए, समझ में आया। पहले ये फिगर, ये क्वेश्चन फिगर है बेटा, अभी मैंने इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं चिपकाया है, सॉल्यूशन का एस भी नहीं लिखा मैंने अभी इसका। चलिए, तो उसने पूछा है व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स मीट, कब और कहां मिलेंगी। या तो आप ग्राउंड से पोजीशन बता देंगे हम कि ग्राउंड से इतनी हाइट पे मिल गई है वो, या ये बता देंगे ऊपर से कितना नीचे। तो सपोज करो मैंने ये मैग्नीट्यूड एक्स, तो बताइए यहां लिख देता हूं, यदि ये मैं एक्स लिख दूं, ये चीज एक्स लिख दूं, ये तो ये 100 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा बच्चा हुआ,
मैग्नीट्यूड में, प्लस माइनस बाद में बात करूंगा, बताना। यदि ए से लेके बी तक एक्स है तो ये बी से सी तक बचा हुआ 100 माइनस एक्स, आप इसका उल्टा कर सकते हो, नीचे वाला एक्स मान लो ऊपर वाला 100 माइनस एक्स हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी यहां कितनी थी वो मिटा दी मैंने, 25 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए, अब ग्रेविटी ऊपर जा रहा है नीचे भी आ रही है, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, क्या लेंगे बताओ, ग्रेविटी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? ऊपर जा रही है तो प्लस लेंगे, नहीं नहीं नीचे आ रही है तो माइनस, अभी भी देव कह रहा है माइनस लेंगे। क्यों ग्रेविटी माइनस क्यों लेंगे देव? ग्रेविटी देव बताएगा, देव ने स्पेसिफिक होके बताया है, देव माइनस क्यों लेंगे बताएंगे देव? हाँ हर्ष नंदनी इच्छा ठीक बोले, तो देव कल की क्लास तूने खराब कर दी बिल्कुल, अंडर ग्रेविटी क्यों? मेरी इच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता सवाल को, यानी आप ग्रेविटी स्पेसिफिक होके बता रहे हो। अच्छा सिवेज कह रहा है पॉजिटिव लेंगे, मेरे साइन लिखने के बाद या पहले, पता नहीं क्या सिवेज मुझे नहीं पता साइन। देखो यदि साइन लिखने से पहले आप स्पेसिफिक हो रहे हो तो आप अभी समझे नहीं हो कल वाली क्लास, सच्चाई ये किसी किताब में नहीं लिखा ग्रेविटी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, आपकी इच्छा है आप डिसाइड कर सकते हो, ये सवाल प्लस से भी हो जाएगा माइनस से भी होगा बराबर वैल्यू देगा, ये तो सोचना ही नहीं है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी के सपोर्ट में जा रहा है। चलिए मैं भगवान जाने मैंने अपनी कल एनर्जी पूरी झोंकी थी, पर सिवेश तू पहले से कैसे बता सकता है ग्रेविटी प्लस लेंगे? यदि तू ये कह रहा है कि मैंने ये साइन नहीं लिखे तो आप पहले से स्पेसिफिक कैसे हो रहे हो कि ग्रेविटी प्लस लेंगे? आपको किसी भी सवाल में खुद डिसाइड करना होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, ये आपकी मर्जी है। मान लो मैंने ऊपर की डायरेक्शन, बोलो क्या लेना चाहते हो, ऊपर की डायरेक्शन माइनस लेना चाहते हो तो नीचे प्लस लेनी पड़ेगी। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं, भगवान जाने बेटा मैं कैसे समझा। पहले बॉल ए बी को देखते हैं, नहीं फॉर बॉल वन एंड फ्रॉम ए टू बी, समझना बेटा क्योंकि यह दो बॉल हो गई तो मुझे ये वर्ड भी लिखना पड़ गया कि बॉल वन के लिए और उसका ए से बी तक जो ट्रैक उसने कवर किया है। अच्छा उससे पहले एक लाइन लिख देंगे, वो लिखी नहीं है मैंने, लेट द टू बॉल मीट एट द पॉइंट बी आफ्टर टाइम टी, माना टी टाइम चलने के बाद दोनों बॉल मिल गई टी टाइम, जैसे सपोज करो चौथे। अच्छा इस सवाल में दोनों को एक साथ, उसको जिस समय छोड़ा है और नीचे से उसी समय फेंका है, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, टिक 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 स्टार्ट हो गई है। तो मान लो चौथे सेकंड यदि वो मिले हैं, इमेजिन करो पांचवे सेकंड मिले हैं तो ये बॉल भी 5 सेकंड चल चुकी और ये बॉल भी 5 सेकंड मिल चुकी, तो एक लाइन ये भी लिखेंगे, लेट द टू बॉल्स मीट एट पॉइंट बी आफ्टर टाइम टी के बाद दोनों बॉल मिलती है। तो बताइए बॉल वन के लिए ए से बी तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रखूंगा मैं? 0। उसका एक्सेलरेशन क्या रखूंगा बेटा? जल्दी बताओ प्लस का 9.8 रखना पड़ेगा। ठीक है देव, क्योंकि मैंने नीचे की दिशाएं प्लस ले दी है। और क्या पता है मुझे उसके बारे में? और कुछ नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, वो भी फिर प्लस एस रख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स, वैल्यू उसकी डिस्टेंस एक्स है लेकिन क्योंकि नीचे की ओर गई है तो प्लस एक्स। तो बताइए फ्रॉम एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह क्या रख दू? प्लस एक्स, यू की जगह 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्चुअली प्लस जी है ना, प्लस जी बाद में रख दूंगा 9.8, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 9.8 ही रखूंगा प्लस का 9.8। तो x बन गया हमारा हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब आ जाते हैं फॉर बॉल 2, बॉल 2 ये रही, एंड फ्रॉम सी टू बी, उसका कहानी सी टू बी हुई है एंड फ्रॉम सी टू बी, बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखनी है मुझे? जल्दी बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखूंगा ये वाली बॉल का जिसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं? -25 फेंका है उसको, इनिशिएट करना है हमने 0 से बाहर,
माइनस 25 क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर फेंका है, ऊपर माइनस है। उसका एक्सेलरेशन कितना रखूंगा? उसका भी प्लस जी रखूंगा। दे समझ में आया? प्लस जी ही रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बॉल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। आपने डिसाइड कर दिया ना कि नीचे वाले एरो प्लस के लेने हैं मुझे, प्लस जी। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जल्दी बताइए? उसने बी से सी तक कितना? मैग्नीट्यूड भले ही 100 माइनस एक्स है, लेकिन ये माइनस का ही तो करना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर की ओर गया डिस्प्लेसमेंट। तो आ जाइए, ये इक्वेशन फिर यूज कर रहा हूं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एस की जगह क्या रख दूं? माइनस का 100 माइनस एक्स। और बेटा आपकी स्वेच्छा है, इच्छा है कि नीचे वाली साइन प्लस मान ले और ऊपर वाली माइनस, तो कहीं ना कहीं चलो तो होनी होनी है। मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, एस की जगह एस, यू की जगह क्या रख दूं? यू की जगह माइनस 25 यू टी प्लस हाफ प्लस का जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा टी सेम आएगा ना, क्योंकि ए से बी तक जो टाइम लगा सी से बी तक भी वही टाइम लगा है जहां वो मिले हैं। तो बेटा अब इसको एडजस्ट करना है, क्या करूं मैं? देखिए एक काम करिए, इस माइनस को एक काम करते हैं, माइनस 100 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 25 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है ना? और आप यदि थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो एक्स से हाफ जी टी स्क्वायर कट रहा है, क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है, तो एक्स से हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा। लो मजा आ गया हमें, टी इक्वल टू 4 सेकंड आ गया, समझ गए क्यों कटा? तो ये है ना, अगले लाइन पे टी इक्वल टू 4 सेकंड, तो यानी हमें ये पता चल गया 4th सेकंड के बाद दोनों बॉल का भरत मिलाप होने वाला है, मिल जाएंगी वो। लेकिन उसने ये भी पूछा है व्हेन एंड वेयर, वेयर तो या तो ये सी भी निकाल दो, या जैसे सपोज करो एक्स निकाल लेते हैं, एक्स ही सी है, तो देयरफॉर फ्रॉम टू एक्स इक्वल टू हाफ की जगह हाफ, जी की जगह 9.8, साइन रख चुके हैं बेटा, अब साइन रख चुके हैं, बार बार नहीं रखेंगे, टी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 चौक 16 8 64 का 4 6, मैं क्या कर रहा हूं जल्दबाजी कर गई, बोले 8 का 8 64 का 4 6 8 9 72 6 78, यानी लेकिन आंसर क्या लोगे, क्या किस तरीके से दोगे कि ये जो बॉल है ना 78.4 मीटर टॉप से फ्रॉम टॉप नीचे की ओर जाओगे तो यानी ऐसे ये आया है ना ये, तो इस पॉइंट से 78.4 मीटर नीचे चलिए तो आप मिल जाओगे। हो सकता है इसका आंसर कुछ लोगों का जब वो सवाल करें तो 19.6 मीटर आ जाए, सोचो क्यों आ सकता है ये आंसर, क्योंकि वो हो सकता है नीचे से एक्स मान ले तो फिर वो ये लिखेंगे कि फ्रॉम द ग्राउंड 19.6 मीटर, तो वो भी सही है, वो भी सही है। बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देव बताएगा बेटा, देव जल्दी से अपनी रजामंदी बताओ, आया नहीं देव? चलिए अब मैं बताता हूं वो वाला क्वेश्चन जो मैं 19वां करा रहा था, उसमें आपके लिए बस एक एक्स्ट्रा मेहनत और है, सेम टू सेम सवाल है, एक्स्ट्रा मेहनत और है, बताता हूं क्या है। उसने क्या बोला है, इसे मिटाऊं पहले तो, और आप लोग करोगे बेटा मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, ठीक है? और आप लोग करोगे, मैं उसमें एक चीज और क्लियर कर देता हूं, उसमें आपके लिए एक मेहनत क्या बढ़ाई है, उसने जैसे इस वाले सवाल में उसने ये यू बता दिया था, इस वाले सवाल में यू बताया नहीं है, एक हिंट दिया, उस हिंट को समझना। उसने हिंट दिया है कि नीचे से ये वाली बॉल, सॉरी ये बॉल, ये टावर, उसने बोला 19वें सवाल में फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर इन हाइट अ बॉल इज ड्रॉप, एक तो बॉल ड्रॉप कर दिए, एंड एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। अब वेलोसिटी नहीं बताई तो सवाल कैसे हो जाएगा, लेकिन आगे एक हिंट लिखी है, सो दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ टावर, मतलब यहां से आपको एक सवाल पहले क्या करना पड़ेगा, उसने ये बोला है कि यहां से हमने जो बॉल फेंकी है उसको इतना दम दिया था, सिर्फ इतनी वेलोसिटी दी थी, सिर्फ इतनी वेलोसिटी ना पीतरी, जैसे सपोज करो आपको घर में यदि क्या कहते हैं रिश्तेदार आ जाए, मम्मी कहती है कोल्ड ड्रिंक लिया, मान लो 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती है, 80 रुपए की, तो मम्मी ने 80 रुपए ही दिए, सपोज करो 80 रुपए दिए 90 तोले,
कभी कभी कहते मम्मी 100 रुपए, तो उसमें क्या होता है सी कोल्ड ड्रिंक लाते 20 तुम्हारे हो जाते हैं। लेकिन यदि मम्मी नपे तुलाई 80 रुपए दे, तो इसका मतलब तो यही हुआ है, इसको एक नपी तुली वेलोसिटी दी है और इतनी वेलोसिटी दी है कि वो जस्ट टॉप ऑफ टावर तक ही जा सकती है बस। यानी ये बॉल यूं जाएगी यूं जाएगी यूं जाएगी यूं और यहां पे आके अपनी सांसें तोड़ देगी। तो बताइए, आप खुद बताइए ये यू क्या रहा होगा, पहले इस पे काम करिए। हाँ S100, उसका सवाल में क्या दिया है थोड़ा घुमा के, कि नीचे से जो बॉल टू फेंकी है उसको इतनी वेलोसिटी दी है, इतनी नपी तुली वेलोसिटी दी है कि वो सिर्फ यहीं तक जा सकती है, उसके बाद इसके दम निकल जाएंगे। तो आप एक काम करो, जी की वैल्यू इसमें ऐसा तो कुछ बोल नहीं रखा, आप 10 ले लो, आप 10 ले लीजिए और आगे बढ़िए। तो बताइए यू कितना फेंका होगा, कितनी वेलोसिटी से फेंका होगा। अब आप कैसे भी करके बताइए, पहले इतना सवाल आप करिए। मान लो मैं यू कहता हूं, सिर्फ सवाल इतना है कि किसी बॉडी को सिर्फ इतनी वेलोसिटी से फेंका है कि वो जस्ट टॉप ऑफ द टावर तक जा सकती है उतनी, तो कितनी वेलोसिटी से फेंका होगा, कितनी वेलोसिटी से फेंका होगा, बताइए। शुरू हो जाइए करिए। ये जब आप इसे सॉल्व करोगे इन वैल्यूज के साथ, तो ये 20√5 आया, ये आपका काम था। क्या कह रहे बेटा सर? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, 9.8 से भी कर लो तो 75 तो फिर भी नहीं आएगा, 20√5। एक मिनट, 75 आएगा क्या? रुको, 20 × √5 का मतलब होता है लगभग 2.3 समथिंग आएगा, 20 × 40, 40 × 44 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यार 75 तो फिर भी नहीं आएगा, उल्टा कम आएगा उससे, तो 9.8 से तो उल्टा कम आएगा आंसर, लीव इट। अब चलिए, अब सवाल आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, इतना मिटा रहा हूं, एसएस ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनेंगे सब लोग। इस सवाल में पता है क्या दिया था, जो 19वां सवाल है वो ये दिया था, एक बॉल ड्रॉप की गई है और एक बॉल को इतनी दम दी है कि बस वो उसकी हाइट को सूंघ के आ सकती थी। तो बताइए कितनी वेलोसिटी से फेंका गया होगा, 20√5 m/s इस स्पीड से फेंका गया होगा। इसका मतलब समझ में आया, ये स्पीड आपको निकालनी पड़ी, पिछले सवाल में ये स्पीड आपको दे रखी थी। तो अब ये घर पे करिएगा, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, अब ये घर पे करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, हाँ समझ गया ना, इस सवाल में क्या एक्स्ट्रा चुल्ल कर रखी थी, वो यू भी तुम्ही को निकालनी थी। अब आ जाओ, एक सवाल करता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है 26, अ बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 m/s। एक बैलून है, या तो हीलियम भर देते हैं या गर्म कर देते हैं ना, ये बैलून 14 m/s की रफ्तार से चढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ये बैलून है। व्हाट इज सेइंग हम नाउ, वो कह रहा है एट अ हाइट ऑफ 98 m। अच्छा, जब वो 98 m ग्राउंड से ऊपर था तो उसकी स्पीड इतनी थी, ये रहा ग्राउंड, और ये 98 m की हाइट पर था, ठीक। चलिए, तब उसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब वो कह रहा है When a packet is dropped from the balloon, पूरा सेंटेंस ये है कि जब एक पैकेट यहां से फेंका गया था, ड्रॉप फेंका भी नहीं गया था, ड्रॉप किया गया था। When a packet is dropped from the air, when a packet is dropped, तब उस समय स्टेटस ये था, उस समय वो बैलून जमीन से 98 m हाइट पर था और उस बैलून की स्पीड 14 m/s थी। तो बताइए ये जो पैकेट ड्रॉप किया है, पैकेट ये विच इज ड्रॉप फ्रॉम द असेंडिंग बैलून, तो बताना ये जो पैकेट है, आप बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए पहले मैग्नीट्यूड बता दीजिए। हाँ ऐसे बोल सकते हो, यदि सर ने अभी प्लस माइनस नहीं डिसाइड किए हैं तो ये वर्ड बिल्कुल ठीक लगा बेटा, अच्छा मुझे तेरा 14 m/s अपवर्ड, ये भी बेस्ट है, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 14 ही होगी। समझ में आ गया कि नहीं, ये मैंने अभी थोड़ी, अब इसमें मूड नहीं मार रहा हूं मैं, ये 14 m/s है, तो यानी ये पैकेट पहले ऊपर जाएगा जब आपके हाथ से छूटेगा, सच बात है ये बिल्कुल वही सीन हो गया, जैसे मैं इसको हल्का सा पुश कर दूं तो ये पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो ये रही पैकेट। अब वो ये कह रहे हैं ये वाली हाइट कितनी होगी बेटा,
ये भी 90-80 मीटर ही होगी। तो वो ये कह रहे हैं आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच द ग्राउंड, कितनी देर के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगी। बेटा ये सीरियसली यदि स्मार्ट हो तो पहले तो फटाफट साइन डिसाइड कर लीजिए। बोलो क्या डिसाइड करना है? ऊपर वाला क्या डिसाइड करना है? ऊपर वाला यदि प्लस डिसाइड करना है तो नीचे वाला प्लस नहीं हो सकता, माइनस होगा। अब बताइए यहां से यहां तक बेटा छोटे बच्चों की तरह सवाल नहीं करेंगे हम। पता है छोटे बच्चे कैसे सवाल करेंगे कि पहले ये कितना ऊपर गया, उसके बाद फिर ये नीचे आने का टाइम। कल मैं बता चुका हूं ना ट्रिक। बताइए यदि इस पॉइंट का नाम ए दे दू और इस पॉइंट का नाम बी दे दू, आप फ्रॉम ए टू बी सवाल डायरेक्ट कर सकते हो खत्म। फ्रॉम ए टू बी इन इक्वेशनों की शक्तियों को पहचानो। ए टू बी बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बताइए। प्लस 14। और क्या पता है मुझे? बताइए इस पूरे ट्रैक के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? डिस्प्लेसमेंट -98 मीटर। समझो क्यों? क्योंकि फाइनली डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है। तो ए से भी एरो नीचे ही तो आ रहा है, वो नीचे की ओर ही तो गया फाइनली, और नीचे की ओर की डायरेक्शन माइनस है। ये चीज 98 मीटर। और क्या पता है मुझे? और तो कुछ पता ही नहीं। हाँ एक ए पता है, ए माइनस का ऐसा लग रहा है तुम्हें 9.8 कुछ कर जाए, तो 9.8 ले लेंगे, नहीं तो 10 ले लूंगा एंड टू एंड। इसमें तो सवाल में कुछ बोल नहीं रखा कि जी क्या लेना है। तो यूएसए इन इक्वेशनों को मिला के फिर तो एक इक्वेशन है S बराबर UT प्लस RVT स्क्वायर, वही निकाल सकता है T, है ना? या फिर एक काम कर सकते हो, आप तीसरी इक्वेशन ले सकते हो। सुनो सर V भी तो जीरो, क्यों? अच्छा आपको क्यों लगता है कि V जीरो? अच्छा कुछ लोगों को क्यों लगता है कि V जीरो हो जाएगा? V जीरो क्यों होगा भाई? अच्छा हम में से एक कंफ्यूजन, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। यदि कोई बॉडी नीचे आ रही है तो टकराने, सुनो पैकेट रुक जाएगा, इसलिए कह रहे हो? सुनो तो सुनिए, जैसी पैकेट जमीन से टकरा गया ना, जैसी पैकेट जमीन से टकरा गया, टकराते उसमें ग्रेविटी, उसमें और फोर्सेस चालू हो गई, फिर वो आपकी इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो टकराने से जस्ट पहले तक होता है ये, यानी वो किस वेलोसिटी से टकराया। यानी आप यहां पर यह कभी मत करना कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। यानी अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, इसका मतलब जब हम इन इक्वेशनों को यूज करते हैं तो इनका मतलब होता है कि वो पैकेट किस वेलोसिटी से जमीन से टकराया। टकराने के बाद तो ये इक्वेशन लगी नहीं सकती ना, क्योंकि एक नया एक्सेलरेशन चालू हो गया, और जब नया एक्सेलरेशन चालू हो जाएगा तो इक्वेशन लगी नहीं सकती ना। और ये कोई गोबर थोड़ी नहीं है कि ठप टकरा के जीरो ही हो जाएगा। अब ऐसे भी समझो, गोबर थोड़ी नहीं है कि टकरा के, हालांकि ये लॉजिक ठीक नहीं है जो मैं बोल रहा हूं हमें, लेकिन टकरा इसमें होता है कि किस वेलोसिटी से टकराया। हाँ तो चलिए बेटा अब आप शुरू हो जाइए और करिए, मैंने अपना काम बता दिया आप लोग, वेरी गुड। तो जब आप इन इक्वेशनों को यूज करोगे बेटा, हाँ शुभम लगभग वही है, तो आंसर आ रहा है 6.12 सेकंड टाइम। जो टाइम आ रहा है जो इस पूरे पैकेट को नीचे आने में लगेगा, 6.14 सेकंड लगेगा। अपने दिमाग में एक चीज करो, करो बेटा करो, कैलकुलेट करो अपने भी दिमाग में, लेकिन एक अच्छी चीज रखना अच्छे से। यदि फिजिक्स को बारीकियों से समझना है कि ये पैकेट पहले थोड़ा ऊपर उठेगा तो उसके बाद नीचे आएगा, लेकिन इन इक्वेशनों की क्षमता तुम्हें पता ही है, ये तो पूरा टाइम निकाल दिया, अब कैसे भी गए हो। करिए बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का लास्ट सवाल है। अच्छा सवाल है और लास्ट सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि एक पैराशूटिस्ट है, बेल आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन। बेल आउट माने जैसे वो होती है ना, जेल से बेल मिलती है, बाहर निकलना, ठीक है। बेल आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ओपन्स द पैराशूट एंड डीएक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा आप सब जानते हो ना, जो स्काई डाइवर होते हैं पहले एक एरोप्लेन के थ्रू या ऊपर चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के थ्रू, ठीक है। अब एक सस्ता सा एरोप्लेन ये देख लो, ठीक है, यू करके ये एरोप्लेन है। अब यहां से